ये है हमारी लाई, इसको हमने गरम कर लिया क्योंकि अभी बारिश का टाइम है, ये सिल जाती है। इसकी बनाएंगे आज भेल पूरी। इसको मैंने गरम कर लिया, इसको डालेंगे भगोने। ये हमने भगोने में कर ली। ये देखिए भुने चने और मूंगफली के दाने हैं, ये इसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये डाल दिए और ये हमारी नमकीन थी, ये भी डाल दी। जो भी आपके पास नमकीन हो जिस तरह की वो डाल सकते हैं इसमें। ये मैंने प्याज और नींबू ले लिया। और ये है जो होली को सेव बनाते हैं ना, बेसन की वो वाली है नमकीन, इसको भी डालेंगे। ये चने की दाल की नमकीन, इसको भी डालेंगे। ये मसाला, इसको भी डालेंगे। ये टमाटर भी डालेंगे, इसको भी काट लें। और आज ये भेल पूरी बहुत ही अच्छी बनने वाली है, बहुत स्वादिष्ट। इसमें ये भी डालेंगे और ये भी देखना, ये देखो बहुत अच्छी बनने वाली है आज की भेल पूरी। बच्चे तो मांग मांग कर खाते हैं, मम्मी यही भेल पूरी बनाओ कुरकुरे डालकर। और देखिए इसमें आज इसकी बारिश होने वाली है, ये देखिए। और साथ ही में कुरकुरे भी डालेंगे, ये देखिए कुरकुरे के भी बारिश हो गई इसमें। और इसमें डालेंगे नमक और डाल देंगे मिर्ची। और ये हमने टमाटर प्याज इसको काटा, ये भी हमने डाल दिया। ये देखिए अब सारा मिक्स कर लेंगे। अब इसको इस तरीके से सारा मिक्स कर देंगे। सब सामान इसमें हमने डाल दिया, ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। काफ़ी अच्छे से मिक्स कर दिया। और इसमें हमने नींबू डाल दिया, ये नींबू का रस निकाल दिया, ये डाल दिया मैंने। और इस नींबू के रस को भी मिला देंगे। बहुत ही अच्छी भेल पूरी बनी हुई। कलर के लिए थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल देंगे। ये थोड़ा सेंधा नमक डाल दिया हमने। फिर से कर देंगे इसको मिक्स। आज हमारी भेल पूरी बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट बनी हुई है, ये देखिए। एक बार बच्चों को इस तरह से बना के खिलाएंगे आप लोग तो बच्चे बोलेंगे वही चीज़ बनाओ मम्मी, मुंबई वाली भेल पूरी। रास्ते में जा रहा था, भेल पूरी खा रहा था, वही गाना गाने लगेंगे बच्चे। हमारे घर में सबको ये बहुत अच्छी लगती है। अब क्या, बस बन के तैयार। ये देखिए हमारी भेल पूरी बनकर हो गई तैयार। ये देखिए हमारी भेल पूरी बनकर हो गई तैयार। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एक बार इस तरह से बना के जरूर खाइएगा।